السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد अल्लाह के फदल करम से एक बार फिर हम और आप इल्म के लिए जमा हुए हैं दिल की गहराइयों के साथ आप तमाम का इस कोर्स में खैर मकदम जदवल के अतबार से आपने देखा कि उसी तफसीर का ये पीरियड है जो नहायत अहमियत का हामिल है अगर सही मानों में तफसीर के उसूल को समझा जाए और उसी रोशनी में जो तफसीर करने के अहल हैं तफसीर करें तो उम्मत इख्तलाफ से बच जाएगी लेकिन जब तफसीर के उसूलों को फरामोश कर दिया जाता है और उस मनहज को छोड़ जो के जो मनहज महदसिन का मनहज था तफसर का दूसरे मनहज के एतबार से लोग तफसर करते हैं या तफसर करने के अहल ही नहीं होते फिर भी तफसर करते हैं, तो फिर न सिर्फ अख्तिलाफ जन्म पाता है बल्कि ख़ुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराही के रास्ते पर डाल देते हैं अपने उन अहबाब के लिए जो हमारे लिए या उनके लिए हम नए हैं उनकी आसानी के लिए मैं ज़िक्र कर दूँ असूल उस, तफसीर में जो बातें इससे पहले पढ़ाई जा चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग मरकज के चैनल पे मौजूद है आप उसका एक बार मुराजा कर लें देख लें समझ लें और कोई इश्काल रहे या कोई बात नहीं समझ में आए तो मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता किया जा सकता है इससे पहले तफसीर में जो मबाहिस पढ़ाए जा चुके हैं उसमें पहला था उसल तफसीर की तारीफ़ तफसीर तावील में फ़र्क तफसीर की अहमियत दूसरा सबक था तफसीर, तफसीर की किस्में बिल मासूर, तफसर बिल राय वग़ैरह कौन कौन लोग हैं या मुफसरन हैं जिन्होंने तफसीर बिल राय की है और कौन कौन से मुफसरीन हैं जिन्होंने बिल मासूर की है ये तमाम चीज़ें इख्तिसार के साथ पढ़ाई गई तीसरा सबक जो पढ़ाया गया ये येम तफसीर ये सब्जेक्ट कैसे परवान चढ़ा इब्तदा कैसे हुई और फिर उसके बाद आज हमारे सामने जो इस इल्म की इस सब्जेक्ट की जो शक्ल है कि हर हर चीज़ के कवायद उसूल रूल्स बता दिए गए हैं किताबी शक्लें मौजूद है इब्तदा से लेकर यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या शक्लें रही ये पढ़ाया गया उसके बाद साहब कराम के दौर में तफसर कैसे होती थी साहब सहाब में से कौन कौन साहब कर जो एक मुफसर की हैसियत से मरूफ़ हुए मशहूर हुए अगर तफसर कोई सहाबी करें तो उसका क्या हुक्म होगा ये पांचवें सबक में पढ़ाया गया ऐसे ही ताबीन का भी दौर आया उन लोगों ने भी तफसीर की, उनके दौर में तफसीर की क्या शक्ल थी और वो लोग कैसे तफसीर करते थे किन चीज़ों से मदद लेके तफसीर करते थे और उनमें यानी तबइन में, में मुफसर के हैसियत से कौन कौन से ताबी मशहूर हुए सबसे पहले इल्म तफसीर में कौन सी किताब लिखी गई इसका तस्करा आया पांचवा सबक ये था ऐसे ही इसराइलियात तफसीर के बाब में इसराइलियात यानी इसराइली रवायत का भी बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है उसकी क्या हैसियत है उसको नक़ल करना ज़िक्र करना कैसा है फिर सबब नज़ूल अगर कोई शख़्स तफसीर करता है तो सबब नज़ूल का जानना कितना ज़रूरी है उसके क्या फ़वाद हैं और आखिरी जो सबक पढ़ा गया था मक्की और मदनी आपने सुना होगा कि क़ुरान करीम का बाद हिस्सा मक्की है और बाद हिस्सा मदनी क़र करीम में आज भी जो सूरतें हैं उसके साथ जहाँ उसका नाम रहता है वहीं मक्की और मदनी की भी तय रहती तो इससे पहले जो पढ़ाया गया उसके ख़ुलासा आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की कि ये ये सबक पढ़ाए जा चुके हैं जिन लोगों ने बराह रात इस्तीफ़ादा किया है तो अलहमदिल्ला और जो लोग किसी वजह से महरूम रह गए या जदीद हैं नए हैं तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इन मबाहिस को हमको पढ़ना चाहिए समझना चाहिए और उसके लिए जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं उसकी मदद से उसको समझने की कोशिश करें और अगर कहीं समझने में दिक्कत आए तो मुझसे रबता करें या और जो इस कराम हैं उनसे रबता करके उस मौजू को समझने की कोशिश करें आज के सबक में या इस साल जिस सबक से हम लोग आगाज़ करेंगे वो है आदाबलमसर मुफसर के आदाब क्या होते हैं इसी तरीक़े से शरूतुलमुफ़सर मुफसर के लिए शुरूत क्या है और फिर उसके बाद वो असूल ववालित वो बुनियादें जिसके लिए एक मुफसर महताज होता है जिसके बग़ैर वो तफसर नहीं कर सकता इन आज के दरसे में हम ये तीन टॉपिक या एक ही टॉपिक के तीन हिस्सा पढ़ेंगे आदाबलमुफ़सर शुरूतलमुफसर असअसलति यताजु अमुफसरबाह अदबिर व शरूती अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहूँगा कि मुल्फ़ ने कुछ बातें बतौर तमहीद कि उसका खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा या सरसरी तौर पर मैं एक तर्जुमा करूँगा आप जब्त करना चाहें जब्त करें नोट करना चाहें नोट करें बाद में पूछना चाहें बाद में पूछें वो एक तमहीद है उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता असल हम उस पर आएंगे जैसे आदाबलमसर मुफसर के आदाब क्या हैं इस पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाएगा शरूतुलमुफ़िर मुफसर के लिए शरूत क्या हैं इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और ऐसे ही अलसुल्लती यहताजो जो मुफसर आ, वो बुनियादें जिसके आ, या वो असूल जवाब जिसकी जानब जिसके लिए आ, एक मुफसर जिसका मोहताज़ ज़रूरतमंद होता है उसकी जानब ज़्यादा फोकस की जाएगी तो इसमें हम पढ़ते हैं सबक के अंदर सबसे पहली जो पहला पैराग्राफ है वो एक तमहीद है अलबल अनबहमी अन बह़ कहते हैं तहक़ीक को रिसर्च को आप जानते हैं इल्मी तहकीक इल्मी पाक साफ, साफ सुथरा यानी एकदम ऐसी तहकीक जिसमें कोई और आमेजिश ना हो ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम तहकीक करने बैठे तो हमारा जहन खाली हो यानी पहले ही से हमारे जहन में कोई एक पहलू गालिब ना रहे होता क्या है कि बसा अवकात हमारे जहन में एक मसला आ गया और हमने उसको सही समझ लिया अब हम जब तहकीक़ करने बैठते हैं तो उसको सामने रखते हुए कि हमारे निगाह में ये मसला राज़े है ये सही लग रहा है तो हम उसी अतबा से दलाइल ढूंढते हैं उसी अतबा से तहक़ीक करते हैं तो आगे चलकर जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे जहन में जो पहले से एक बुनियाद बनी हुई है उसके अतबार से रिसर्च आता है तो उसको नजी नहीं कहा जाता नजी ये है कि कोई भी मसला है अपने आप को खाली समझे कि इसके दोनों दो पहलू भी हो सकते हैं तीन पहलू भी हो सकते हैं राजे कोई भी हो सकता है और उसके बाद तहकीक करें तब जो है जा करके आखिर में जो नतीजा आता है बहुत साफ सुथरा आता है दलाइल की बुनियाद पर राजीए करार दिया जाता है ज़हन में जो पहले से था उसके اعتبار से राजे करार नहीं यही है जो उन्होंने टॉपिक शुरू में लगाया है एक عنوان अल-बहसुल इल्मी अन-नज़ीह साफ सुथरी इल्मी तहकीक मौलवी फरमाते हैं اساس المعرفه التي تعود على باحثها بالنفع यह बुनियाद है किसी इल्मे का जो एक महक्क़ के लिए एक रिसर्चर के लिए नफा बख्श हो सके अगर तहक़ीक साफ सुथरी है पहले से जहन में कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है और उसके बाद तहक़ीक की जा रही है तो ये महक् के लिए नफ़ा बख्श होती वसम रतु गलफ़िक्री व तनमियतुलआक़ली और इसी तरीके से उस रिसर्च का जो समरा जो फ़ायदा जो रिज़ल्ट आता है वो फ़िक्र की, की गज़ा बन जाती है फ़िक्र की खुराक यानी और सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती व तहही तोबा भी मतलब मुहिम और ऐसी तहक़ीक़ के लिए इसबा फरहम करना कि कैसे इतनी इस तरीके की तहकीक हो सकती है रिसर्च हो सकता है उसके लिए हर बाहिस को इंतज़ाम करना कोशिश करना यही हर बाहिस का मह नजर होता है अहम मकसद होता है ताकि उसकी तहकीक का बेहतरीन समरा सामने आए वलबहफिल शरिया आम व वफ़िल तफसर ख़ास मिन अहम मिन मा या उबी कि किलोम शर्या में अमूमी तौर पर और इल्म तफसर में खसूसी तौर पर तहक़ीक करना ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी जानब तोजो देना ज़रूरी है लदा वजब तार रूफ़ अला आदा बिलमुफर व शरूत इस बुनियाद पर इस बुनियाद पर मुफसर के आदाब और शुरूत क्या हैं इसका जानना वाजिब हो जाता है ज़रूरी हो जाता है अब ज़ाहिर सी बात है आगे जो भी तहकीक़ की जाएगी जो भी तफसर की जाएगी एक आयत की कौन सी तफसीर सही है कौन सी गलत है इस पर बहस की जाएगी तो उससे पहले मुफसर के आदाब क्या हैं मुफसर के शुरूत क्या हैं इसका जानना जरूरी ताकि मुफसर का जो मर्ज़ा है मजदर है जहाँ से उसको बातें लेनी हैं वो पहले से वाज हो जाए और वही की जो अजमत है वो महफूद रहे वो बाकी रहे ये पैराग्राफ पहला मैंने कहा था कि तमहीदी गुफ्तु होगी इसका एक खुलासा आपके जहन में होना चाहिए कि जो भी शख्स तफसीर करे तो कोई मनहज पहले मुतिन ना कर ले बल्कि ये होना चाहिए कि हमें सही बात सलफ की मनहज के एतबार से जो सही बात मिलेगी उसको हम बयान करेंगे उस वो तफसीर हम लोगों के सामने पेश करेंगे ये असल होना चाहिए अब इसके लिए चंद आदाब हैं और चंद शुरूत हैं और चंद उ जवाबित हैं कि जिसकी रोशनी में एक मुफसर को तफसीर करना चाहिए अदबालमुफसर एक शख़्स को तफसीर करना है एक शख्स को तफसीर करना है या हमें और आप में से किसी को तफसीर करना है तो हमारे अंदर कौन से ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जिसकी रहते जिसके बगैर हम तफसीर नहीं कर सकते जिसका रहना हमारे अंदर ज़रूरी हो जाता है तो अदबालमुफर सबसे पहली चीज है अला सेहत अतिकाद सेहतुल अकीदा सही होना चाहिए अकीदा सही होना चाहिए अकीदा यानी कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी मुफतफसर करे उसी का अकीदा सही होना चाहिए अकीदा तो सबका सही होना चाहिए लेकिन यहाँ पहले उसको जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं अगर अकीदा सही होगा तो तफसीर की बुनियाद सही होगी और अगर अकीदा ही ख़राब है तो फिर आप सही तौर से कुरान की तफसीर नहीं कर सकते आगे बातें इंशाल्लाह कुछ शायद मैं इशारा करूं कि किस तरीके से अकीदा ख़राब है तो उसकी वजह से लोग जो तफसीर किए हैं वो किस तरीके से गलत मनहज पर गलत तरीक़े पर वो चली गई तो सेहतुल अत पहली चीज़ एक मुफस्सिर के अंदर जो होनी चाहिए वो एतक़ाद और अक़दा सही होना चाहिए इस पर गौर कीजिएगा फिन नल अकीदती अफरूा फ़ी नफ से साहिबी हा वफ़ीमा युसन्फ़ो कहते हैं इसलिए कि अक़ीदा के ख़ास असर होता है अकीदा का एक ख़ास असर होता है फ़ी नफ से साहिबी हा उस अक़ीदे वाले के अंदर भी जैसा अकैदा वैसे उसकी शख्सियत और वफ़ीमा युसन्फ़ु हो और जो कुछ वो लिख रहा है तसनीफ कर रहा है उसमें भी अकीदा का असर होता है जो बोलता है इंसान उसमें भी अकीदा का असर होता है वो जिंदगी जीता है तो उसमें भी अकीदे का असर होता है वो कुछ लिखता है तो उसमें भी अकीदे का असर होता है और ये चीज ऐसी है कि एकदम वाज़े है हम लोग इसको बहुत सारे मकाम पर बहुत सारे लोगों में इस चीज़ को महसूस कर देखो इनका अकीदा ऐसा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं इनका अकीदा ऐसा इसलिए इनकी किताब में ये चीज़ें पाई जा रही हैं क्यों अकीदे का असर पड़ता है इंसान की शख्सियत पर भी और जो कुछ भी वो बोलता है या लिखता है तसनीफ करता है उस पर अकीदे का असर होता है लिहाजा पहली चीज़ मुफसर के लिए ज़रूरी है कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए अकीदा वो कौन सा अकैदा होना चाहिए क्या नबी अलैहि वसल्लम ने जो सिखलाया है किताब सुन्नत का सहाब इकराम के मनाज के अतबार से नंबर दो दूसरी चीज जो मुफसर के अंदर होनी चाहिए हुसन नीयती मकसद नीयत बेहतर हो हुस्ने नीयत अच्छी नीयत होनी चाहिए मकसद सही हो नहीं तफसीर क्यों करने जा रहा है ये असल है हमारे तफसर करने का मकसद क्या है ये ये इस एतबार से भी तफसीर पर असर पड़ता है लिहाजा नीयत बेहतर होनी चाहिए मकसद दुरुस्त होना चाहिए फईन नाम और तफसर वला मिलताम नीयत की अमाल का दारोमदार नीयत पर है जैसी नीयत होगी वैसा ही अमल वजूद में आएगा ठीक तो कलामुल्ला की तफसीर करना यह भी एक काम है यह भी एक अमल है कुरान करीम की तफसीर करना एक काम है कि नहीं दीनी काम है तो जैसी नीयत तो वैसा अमल वैसे ये तफसीर और बहुत सारे अमाल इंसान अंजाम देता है उनमें से जो सबसे मुअज़्ज़ज़ अमाल हो सकते हैं बड़े अमाल हो सकते हैं रुतबे के एतबार से उनमें से है कुरान करीम की तफसीर करना अल्लाह के कलाम की तफसीर करना एक अमल है तो सिर्फ अमल नहीं है बल्कि अमाल में जो सबसे आला दर्जे के अमाल है उनमें से एक है लिहाजा इन नमल आमाल नियत, आमाल नीयतों पर के केतबार से वजूद में आते हैं या नीयतों पर अमाल का इहसार होता है तो उसी तरीके से जब अमल नियत के एतबार से वजूद में आते हैं तो कुरान करीम की तफसीर करना एक अमल है अजल अमल है लिहाजा इसके लिए भी नीयत का दुरुस्त रहना जरूरी, जरूरी है वरना यह अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा और यह भी रद्द कर दिया जाएगा नंबर तीन बहुत अहम अल्तशाल वल अमल मुफसर के लिए ये होना चाहिए कि जो वो कह रहा है क़ुरान करीम की जो तफसीर वो कर रहा है उस पर अमल पैरा भी हो उस पर खुद भी अमल करता हो फिलबूलिन इसलिए कि इल्म इस उन, उन उलमा का मकबूल हुआ है जो आमिल भी थे अमल भी करते थे सिर्फ़ बातें नहीं करते थे सिर्फ तकरीरें नहीं करते थे बल्कि खुद अमल भी करते थे तो उनका इल्म जो है मकबूल हुआ है इसलिए मुफसर के लिए तीसरी सिफत या तीसरा अदब आप कहिए कि मुफसर के अंदर अमल का जज्बा हो ऐसा ना हो कि तफसीर तो कुछ कर रहे हैं और अमल कुछ और हैं या उसके मुताबिक वो अमल नहीं कर रहे नंबर चार तहर सदक़ी वब्त फिर नकली नकल करने में बात को लेने में पूरी दयानत दारी और अमानत दारी का ख़याल रखें यानी जो बात कहीं से हदीस से नकल कर रहे हैं तो अब हदीस में जो बात सही है सही रवायात है उन्हीं को लें सिद और जो अल्फाज वारद हैं उन अलफ़ा को नकल करें जब्त सिदक और जब्त इसका ख्याल करना है नकल करने में लेने में हदीस हम नकल कर रहे हैं सहाबी का कौल हम ले रहे हैं या ताबी का कौल ले रहे हैं कि तो किसी का भी कौल नकल कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं एक तो सही बात लीजिए और दूसरा हु लीजिए अपनी जानिब से कमी ज्यादा ना करें तुम फिल बिली असलीम इसलिए की बेहतरीन और उम्दा तहक़ीक के लिए यही शर्त है कि उसके अंदर सदाकत भी हो नकल करने में बात को और ज़ब्त भी हो सदाक़त सही बात लेना है और जब्त हु लेना है जैसा उसमें है वैसा लेना है अपनी जानिब से कमी ज़्यादती नहीं कर सकते कभी कभी ऐसा हो जाए उसमें थोड़ी कमी दिख रही है तो लाओ हम ले करके उसको ऐसा बयान बना के पेश कर दें कि वो बाद में पढ़ने वाले समझें कि मतलब इसमें कोई कमी थी नहीं चाहे जितनी अच्छी नीयत हो लेकिन तहकीक का ये तरीका नहीं होता तो चौथा अदब है कि जब कहीं से बात नकल करना हो तो सही बात नकल करें और हो बहु बात जब्त न कमी ना जाती पांचवा अदब है खुल्क बेहतरीन अखलाक होना चाहिए फ़ैन अलखल क़िल्सानी असरफ़ीमा युसन्फ़ हो क्योंकि इंसान के अखलाक उसकी तस्नीफ में असरानंदाज होता है इंसान के जो भी अखलाक होता है जो कुछ भी वो लिखता है उसमें उस चीज़ झलकती है अंदाज़ा होने लगता है वो बोलता है तो भी उसके अखलाक़ उसमें जो है नज़र आने लगते हैं महसूस होने लगते हैं तो एक मुफसर को हसन अखलाक भी होना चाहिए हुसन अखलाक क्या है हर चीज़ में अच्छी चीज़ को अपनाएं। बात करना है तो अच्छे अंदाज में चलना है तो अच्छे अंदाज में बैठना है तो अच्छे अंदाज में दोस्त बनाना है तो अच्छे अ... सब अच्छे एतबार से ये अखलाक है यानी हर काम हुस्न और हुस्न क्या हो सकता है सही चीज़ क्या हो सकती है शरीयत के मुताबिक शरीयत ने जो रास्ता बताया है हर मामले में वही सही है सबसे बेहतर है वही लिहाजा मुफसर को चाहिए कि अपने अंदर हुस्न अखलाक पैदा करे नंबर छठा अदब है अनिल हवा जब वो तफसीर करने बैठे तो ख्वाहिशात से खाली हो अपनी मनमानी बिल्कुल करने का इरादा ना रहे अपने मन की बात उसमें ना लिखे अत्तजर रुद्वानिल हवा فَلْأَهْوَىٰ أُتَطْفُوَ أَصْحَابَهَا إِلَى نُصْرَتِ مَدْحَبِهِمْ بِالْبَاطِلِ इस वजह से कि ख्वाहिशात इंसान को अपने मजहब की बातिल मजहब की मदद करने पर आमदा कर देता है कुरान ये है हदीस ये है। लेकिन हम एक खास मसलक के पैरोकार हैं और वो मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है या उसका फला मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अब होना क्या चाहिए कुरान की कोई आयत करीमा की हम तबसर कर रहे हैं और वो आयत करीमा हमारे मसल के खिलाफ है तो क्या करना चाहिए हक बात बयान करते हैं लेकिन अगर ख्वाहिशात का मामला मन का भी मामला है रुझान का भी मामला है तो वही हुआ होता है जो आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा जुल्म है इस का कि अल्लाह के कलाम की तफसीर अपने मजहब के अतबार से लोगों ने किया और जब कभी टकराव हो गया अल्लाह के कलाम में और अपने मसलक में तो ये नहीं हुआ कि अपने मसलक को अल्लाह के कलाम के एतबार से कर दें बल्कि ये हुआ नउद अल्लाह के कलाम को अपने मसल के अतबार से कर लिया ये है छः आदाब मुफसर के हैं नंबर जी जी अनिल हवा ख्वाहिशा मनमानी से खाली होना آ, ये خواہشات, ये ये को अपने बातिल मजहब की मदद करने पर आमादा करते हैं बातिल मजहब की मदद करना अब आप समझ लीजिए जब मजहब बातिल है उसकी मदद करना है तो मदद करना भी बातिल हुआ ना अगर मजहब सही होता उसकी मदद करना तो कोई मसला नहीं है था। मजहब मुराद मसलक या एक तरीका अपना रास्ता उसने चुन रखा है जो गलत रास्ता है अब उसकी जब इंसान हवा से खाली नहीं है ख्वाहिशा से खाली नहीं है मनमानी से खाली नहीं है तो फिर उस वक्त जब वो तफसीर करने बैठता है तो कुरान करीम से वही आयतें ढूंढता है जो उसके बातिल मजहब की हमायती हों और उन आयत को वो तर्क कर देता है जो उनके बातिल मजहब की तरदीद कर रही तो ये छः आदाब आदाबुल आदाबलमसर नंबर एक से अकीदा सही होना चाहिए नंबर दो और उससे मक़सद नीयत बेहतर होना चाहिए सही होनी चाहिए नंबर तीन अम्तिसमल जो बातें क़ुरान करीम की वो बयान कर रहे हैं खुद भी उस पर अमल पैरा हूँ उसके खिलाफ ना हो नंबर चार बातों को नक़ल करना है तो पूरी अमानतदारी के साथ और हो बहू नकल करना है नंबर पाँच हसन अखलाक का पैकर हो मुफसर और नंबर छः वो ख़्वाहिशा और मनमानी से अपने आप को पाक रखे ये छः है आदबालमुफर इसके बाद शुरूतलमुफ़सर मुफसर की शर्तें यानी एक मुफसर के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं शर्तें हैं जिसका पाया जाना जरूरी आप याद समझ लीजिए कि अगर वो शर्त नहीं पाई जाएगी तो इसका मतलब वो शख्स मुफसर नहीं शर्त का मतलब ये होता है कि जब शर्त ना हो तो मुफस्... जो मशरूत है वो भी ना हो यानी जिस चीज़ की शर्त बताई जा रही है अगर शर्त नहीं है तो वो चीज़ नहीं पाए मतलब यहाँ मुफसर के शुरू बयान की जाएगी अगर ये शर्तें नहीं पाई जाएंगी किसी शख्स के अंदर तो मुफसर नहीं हो सकता मुफसर होने के लिए शर्तों का पाया जाना जरूरी जक्रमा उमफसर शरूतन ने मुफसर के लिए चंद शर्तों का जिक्र किया है नजमल मयाती फरमाते हैं मुल्लफ़ की हम इजमाली तौर पर यानी तफसील नहीं बयान करेंगे सिर्फ खुलासे के तौर पर जेल में यानी नीचे जो आ रहा है उसमें उन शुरूत को इजमाली तौर पर बयान कर देंगे उसकी तफसील नहीं सिर्फ जिक्र करेंगे खुलासा धिक्र कर देंगे कि ये ये शर्तें अब ये एक शर्त जैसे एक आएगी एक शर्त बयान की गई इसकी तफसल चाहिए तो कहीं और दूसरी किताब में मिल जाएगी लेकिन इन्होंने क्या किया है मुख्तसर अंदाज़ में शार्ट करके जिक्र कर दिया है कि ये ये शर्तें एक मुफसर के अंदर पाया जाना ज़रूरी अवल नंबर एक अयद तर कुरबालन कुरान करीम की जो तफसीर शुरू करे वो तो सबसे पहले कुरान की तफसीर करें बिल कुरान कुरान से इसका मफहूम पहले भी जिक्र ही हुआ कि कुरान की कोई आयत है उसकी तफसीर करना है तो पहले गौर कर ले कि इस कुरान करीम ही के अंदर कोई और आयत है क्या जो इसकी तफसीर बयान कर रही है ऐसा बहुत सारी आयत आयतें हैं कि एक जगह वो बड़े इख्तिसार के साथ दिख रहे हैं कि सिर्फ उसको पढ़िए तो बात इतना वाजे नहीं होती दूसरे मकाम पर वही आय उसी से ताल उसी ताल उसी के ताल्लुक से दूसरी आयत है वो ज़रा मुफसल है उसमें वाक़ात बढ़ा दिए गए तो अब इस आयत को समझने के लिए उस आयत को पढ़ लीजिए तो मामला वाज हो जाता है तो सबसे पहले जब तफसीर करने बैठे मुफसर तो कुरान की तफसीर कुरान से सुन्ना फिर कुरान की तफसीर सुन्नत से फ़ु अकवाल सहाबा फिर कुरान की तफसीर सहाबा के अकवाल से वलमाई तफसर मिन التابعين और में से मुफस्सिरीन हैं उनके अकवाल से सबसे पहले किस्से को तफी करेंगे ठीक है मरफू रवायत उसके बाद अकबाल सहाबा जिसको हम लोग कहते हैं मौकूफ रवायत और ताब इन के जोाय मुफसरीन है उनके अकवाल अब देखिए एक मौलिफ ने कितनी मतलब बात की अकवाल साहबा साहबा के अकवाल से ठीक नहीं सहाबी में से किसी भी के कौल मिल जाए उसको लिया जा सकता है उसके एफसर की जाती है लेकिन सहाबा के बाद जब ताबीन में आए तो क्या कहा वो तफसीर में ताबीन ताबीन में से सब की बात नहीं ली जाएगी जो उल्मा है मुफसरीन है उनके अकवाल लिए जाएंगे वही बहुत बुनियादी फर्क है तो बहाल पहली चीज शर्त यह है कि कुरान की तफसीर कुरान से फिर सुन्नत से और फिर उसके बाद अकवाल सहाबा से और तब में से से उलमाए तफसीर से दूसरी शर्त है व वो जो शख्स मुफस्सिर बन रहा है या तफसीर करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए दूसरी शर्त यह है कि वो

एक ही लफ्ज के मानी को समझने में दिक्कत पेश आती है और बसा हाँ औकात हमसे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो अब कुरान की तफसीर करने बैठे हैं ना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तफसीर करने बैठे हैं तो अरबी जबान सिर्फ पढ़ लेना अव्वल तो अरबी जबान आनी चाहिए जिसको अरबी जबान ना आए मुफसर नहीं हो सकता और सिर्फ अरबी जबान आ जाए कि तर्जुमा कर लेता है कुछ दिन सऊदी में रह लिया फला जगह रह लिया कुछ किताबें पढ़ ली जिसकी वजह से वो अरबी किताब का तर्जुमा कर सकता है लेकिन उसको बलागा नहीं आता कवायद नहीं आते नौ नह के कवायद नहीं आते सर्फ के कवायद नहीं आते तर्जुमा तो कर ले रहा है लेकिन नौ सर्फ के कवायद नहीं आते बलागा तो वो मुफसर ईया का, का नस्ताइन इसका तर्जुमा हाँ ही लग रहा है तेरी ही इबादत करते हैं, हैं। तर्जुमा करो तो हम तेरी इबादत करते हैं खुलासा हो गया लेकिन ये काफी नहीं है मुमकिन है तेरी इबादत करते हैं तो मुमकिन तुम्हारी भी करते हो भी करते हैं लेकिन यहां यही चीज है जो हमको सिखलाती है कि यहां आपको ही लगाना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता था ना अबू दू का ना अबूद का ऐसा हो सकता था ना हम तेरी इबादत करते लेकिन ईया का ना अबूदू जमीर को मुकदम कर दिया जमीर मुफसिल को मुकदम कर दिया तो अब माना हो क्या हो गया तेरी ही हमें इबादत करते हैं अब तेरी ही लगाने से ये हो गया कि किसी और के नहीं करते तो तर्जुमा करना अलग है कवायद के एबार से तर्जुमा करना अलग है तो मुफस्से के लिए अरबी जबान भी जानना है और अरबी जबान के जो फ़्रोह है नह, सर्फ, बलागा वगैरह इसका भी जानना जरूरी है तो इसलिए कि कुरने करीम को अरबी जबान में नाजिल किया गया है तो अरबी जबान को जानना ज़रूरी है और जो उसके फ़रूहत हैं उसको भी जानना ज़रूरी है अब कोई शख्स अरबी ना जाने और क़र करीन की तफसीर लिख दे उर्दू में लिख दे फारसी में लिख दे अंग्रेज़ी में लिख दे लेकिन उसको अरबी नहीं आती तो मुफसर नहीं हो सकती मुफसर बनने के लिए अरबी जबान का जानना और उसके फ़रूहत का जानना ज़रूरी नंबर तीन मुफसर के लिए तीसरी शर्त अम उसमत अबरण उस उन उलूम का भी जानना जरूरी है जो कुरान से मुतसिल हैं जो ूमरन में आता है कुरान से लगे हुए वो हैं मसलराचराच सात तरीके से दस तरीके से कुरान पढ़ा जाता है उसका इल्म होना जरूरी है मुफसर के लिए कि यहाँ ये पढ़ दें तो क्या माना बनेगा और ये ना पढ़े ये पढ़ दें तो क्या माना बनेगा ये तमाम चीज़ें उसके लिए जानना जरूरी है ये तीसरी शर्त है पहली शर्त क्या है कि कुरान की तफसीर के लिए तरतीब है कुरान की तफसीर कुरान से कुरान की कुरब से फिर उसके बाद अकवाल साहबा और मैत मुफसर मिन तबिन से दूसरा ये है कि अरबी जबान और उसके फ्रवा का इल्म और तीसरी यह है कि क़ुरान से मुत्तसिल जो उलूम हैं उनके कवायद को जानना ज़रूरी है तज़वीद के कवायद हो गए करात के कवायद हो गए उनका जानना ज़रूरी ये तो बुनियादी तौर पर तीन उलूम का तीन शर्तों का तस्करा यहाँ किया है इन तीन शर्तों के बग़ैर कोई शख्स मुफस्सिर नहीं बन सकता है अल्लाह तमारेमल में इजाफा फरमाए और हमारी नीयत में खलूस पैदा फरमाएँ और जो भी इल्म हम हासिल कर रहे हैं उसी के अतबार से हमें ज़िंदगी बसर करने वाला बनाएं आमीन तकबिल अरबा उल्ल